हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का ये हमारा वीडियो है जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर है। तो इससे पहले भी हमारा वीडियो आया था व्हाट इज लिविंग के ऊपर और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। आपने उसे भी बहुत सारा प्यार दिया, तो इस वीडियो को भी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। ठीक है, तो भाई वही बात, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और साथ ही बेल आइकन और दबा देना ताकि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चालू करते हैं सीधे टॉपिक को। तो हमें सबसे पहले देखना है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। ठीक है, क्या क्या आता है उसके लिए हमारे पास सबसे पहली बात ये लिखी है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स जिसमें हर एक स्टेप एक रैंक है या फिर एक कैटेगरी है, जिसमें हर एक स्टेप एक रैंक है या फिर एक कैटेगरी। तो जनरली यह है कि एक कैटेगरी एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, कैटेगरी एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, है ना, और उसी कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है, उसी कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं। तो ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आपस में आकर के जुड़ती हैं, उसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, उसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, ये बात भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्लाइड में। यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का यूनिट होता है कैटेगरी, और जबकि कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जो कि कॉमनली टर्म उसे हम टैक्सोन, उसे हम क्या कह सकते हैं, टैक्सोन कह सकते हैं, उसे हम टैक्सोन कह सकते। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक इंसेक्ट ग्रुप है, इंसेक्ट एक ग्रुप है यानी कि कैटेगरी है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो शेयर करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स को, जैसे उनके तीन पेयर होते हैं जॉइंटेड लेग्स के। कितने पेयर? तीन पेयर होते हैं जॉइंटेड लेग्स के, यानी कि उनके तीन पेयर में लेग्स ज्वाइंट होते हैं। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके तीन पेयर में लेग्स ज्वाइंट होंगे वो सभी इंसेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, वो सभी इंसेक्ट कहलाएंगे, यानी कि इंसेक्ट एक कैटेगरी है। बात क्या निकल के आई, इंसेक्ट एक कैटेगरी है। क्लियर बात यहां पर ये आ रही है कि इंसेक्ट एक कैटेगरी है और कैटेगरी को हम फर्दर डिनोट कर सकते हैं रैंक से, यानी कि कैटेगरी हमारी एक रैंक है और रैंक हमारा टैक्सोन यानी टैक्सा, रैंक हमारा टैक्सोन यानी टैक्सा, और टैक्सा या टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब जनरली क्या आ रहा है कि हमारा कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ध्यान क्या रखना है, कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो आपको भाई एक और बात बता दूं, ये जितना भी आउटलाइन है हमारा इस मटेरियल का वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक तरीके से आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने वर्ड में, अपने वर्ड में कॉपी पेस्ट करके उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करनी है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले भाई जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है स्पीशीज, दूसरी आती है जीनस, तीसरा आता है फैमिली, चौथा आता है ऑर्डर, पांचवा आता है क्लास और छठा आता है फाइलम, सातवां आता है किंगडम। ठीक है, पहला आता है स्पीशीज, दूसरा फैमिली, पहला आता है स्पीशीज, दूसरा जीनस, तीसरा फैमिली, चौथा ऑर्डर, पांचवा क्लास, छठा फाइलम, सातवां किंगडम। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक भी है, अगर आपको ये याद नहीं होते तो उसके लिए आप या ऐसे याद कर सकते हैं SGFOCPK, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, वही इस फिगर में भी दिया गया। तो आप इस बात करते हैं स्पीशीज की, स्पीशीज एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, जिनके अंदर
फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं। ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कुछ करेक्टर सिमिलर कर सकते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एक स्पसीज के, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके करेक्टर सिमिलर कर सकते हैं, वो जनरली क्या होते हैं कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दो क्लोजली रिलेटेड स्पसीज की, मतलब दो अलग अलग स्पसीज, जैसे आप घर से बाहर निकले, आपने एक काऊ देखा, ठीक है, काऊ देखा, साथ ही साथ कौन देखा, एक आपने डॉग देखा, ठीक है, डॉग देखा, तो आप क्या उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पता कर पाओगे? आसानी से पता कर पाओगे, काऊ के ऊपर दो सींग होते हैं, लेकिन डॉग के अंदर वो चीज नहीं है, डॉग की छोटी पूंछ होती है, स्मॉल टेल होता है डॉग का, लेकिन काऊ का लॉन्ग टेल होता है, लार्ज टेल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मिल जाते हैं। भाई जल्दी इरेज हो जा, भाई सीधा और लिंक्स पे डालना पड़ता है, इतना टाइम ले गया, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो एग्जांपल्स की बात की जाती है, तो एग्जांपल्स में आपके इंडिका आया, ट्यूबिसम आया, लियो आया, टिग्रिस आया, पारस आया। इंडिका हमारा मैंगो का, ट्यूबिसम हमारा पटेटो का, लियो हमारा लॉइन का, टिग्रिस हमारा टाइगर का, और पारस हमारा लियोपार्ड का। ये सारे स्पसीज हैं, और स्पसीज ह्यूमन का कौन सा है भाई, सेपियंस स्पसीज ह्यूमन का है। जीनस की बात करी जाती है, तो जीनस में क्या होता है कि ग्रुप होता है रिलेटेड स्पसीज का, जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स कॉमन होते हैं दूसरे जीनस के स्पसीज के कंपैरिजन में। कुछ कॉम्प्लेक्स ही बात कह गया एनसीईआरटी, अगर हमने इसे नहीं समझा तो जीनस पूरा खाली चला जाएगा, है ना, मेन बात यहां पर निकलती है। तो जनरली हमने अभी देखा कि पेंथीरा एक जीनस होता है, उसके अंदर टाइगर आता है, ठीक है, टाइगर, और एक फेलिस जीनस भी होता है जिसके अंदर कैट, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टाइगर और कैट के बीच में डिफरेंसेस हैं, होंगे डिफरेंसेस, और टाइगर और लॉयन के बीच में डिफरेंसेस हैं, लॉयन भी पैंथेरा जीनस का है, ठीक है, होंगे डिफरेंसेस, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंसेस कम है, सिमिलरिटीज ज्यादा है, क्योंकि ये एक ही जीनस की दो स्पसीज है। यहां पर अलग अलग जीनस है और अलग अलग स्पसीज आती है, तो इधर सिमिलरिटीज कम है और क्या ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा है, इधर सिमिलरिटीज कम है और डिफरेंसेस ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास क्या बात निकल करके आ रही है, क्लियर बात क्या निकल के आ रही है कि अगर दो स्पसीज होंगी सेम जीनस की तो उनके अंदर सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी, अगर दो स्पसीज होंगी डिफरेंट जीनस की तो उनके अंदर सिमिलरिटीज कम होंगी, ठीक है। बात आता है भाई सोलानोमिक जीनस है जिसके अंदर पटेटो ब्रिंजल जैसी दो अलग अलग स्पसीज आती है, पेंथीरा एक जीनस है जिसके अंदर टाइगर लाइन लियोपार्ड जैसे डिफरेंट स्पसीज आती है, और फेलिस एक जीनस है जिसके अंदर कैट स्पसीज आती है। तो भाई जीनस क्या होता है, वैसे जीनस होता क्या है, एक ग्रुप होता है रिलेटेड स्पसीज का। बात करते हैं फैमिली क्या होता है कि ग्रुप होता है रिलेटेड जेनेरा का, यानी कि जीनस का जिसके पास थोड़ी कम सिमिलरिटीज होती हैं कंपेयर किया जाए अगर जीनस से और स्पसीज से। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं किसमें, कैटेगरीज में, तो जो हमारी सिमिलरिटीज है वो नीचे जा रही है। अगर हम कैटेगरीज में ऊपर जा रहे हैं तो सिमिलरिटीज नीचे जा रही है। वही बात यहाँ पर ये भी कह रहा है कि फैमिली एक ऐसा ग्रुप है रिलेटेड जेनेरा यानी कि जीनस का जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती है, यानी कि कम सिमिलरिटीज होती है अगर कंपेयर किया जाए जीनस के अंदर सिमिलरिटीज से और स्पसीज के अंदर सिमिलरिटीज से, ठीक है। अगली बात क्या, फैमिलीज क्या है कि करेक्टर स्टाइल, वो फैमिलीज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दोनों तरीके से,
वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स से, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ना कि हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो प्लांट के लिए एक एग्जांपल है, थ्री डिफरेंट जेनेरा, कौन कौन से, सोलानम, पीटिना, दोत्रा, सोलानम, पीटिना और दोत्रा, ये फैमिली एक में आते हैं सोलानासी, किसमें, सोलानासी। और एनिमल्स के लिए जीनस कौन सा है, पेंथीरा, जिसके अंदर कौन, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, है ना, और साथ में कैट वाली इस, वो कैट वाला जीनस फेलिस, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक फैमिली बनाते हैं फेलिड, कौन सी, फेलिड। तो डॉग के लिए फैमिली है कैनिड। ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, वी हैव सीन दैट कैटेगरीज लाइक जीनस, स्पीसीज एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन सिमिलर कैटेगरी, हमने देखा स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज में क्या होते हैं, सिमिलर कनेक्टर्स के कारण इन्हें क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ग्रुप्स ऑफ करेक्टर, कुछ ग्रुप्स ऑफ करेक्टर के बेसिस पर ऑर्डर और उससे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है जो कि फैमिलीज के मिलने से बनती है जिनके अंदर कुछ सिमिलर करेक्टर, ठीक है। तो सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, यहां पर बात की क्या कि सिमिलर करेक्टर्स लेस होते हैं किसमें, ऑर्डर में, अगर कंपेयर किया जाए फैमिली, ठीक है। तो एक प्लांट फैमिली होती है कौन सी, कॉर्नवोल्वो लेसी और एक सोलानासी, ठीक है। ये दोनों मिलकर के एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। और एनिमल्स के अंदर की बात की जाए तो कार्निवोरा और फेलिड मिलकर के क्या बनाते हैं, कैनिड बनाते हैं। और वहां पर कौन कौन से थे, स्पीसीज नहीं बनाते, ऑर्डर बनाते हैं, कौन सा ऑर्डर पॉलीमोनियल, कौन कौन, कॉर्नवोल्वोनेसी और सोलानासी मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमोनियल ऑर्डर। और यहाँ पर कार्निवोरा ऑर्डर कौन कौन बनाते हैं, फेलेड बनाते हैं और कैनेड बनाते हैं। अब क्लास, तो जनरली ये क्या होता है कि रिलेटेड ऑर्डर्स से मिलकर के बनती है। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो प्रिमाटा है, प्रिमाटा के अंदर मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, जिबन्स आते हैं, हम भी आते हैं, उन्हें प्लेस किया जाता है क्लास मेमालिया, कौन सी क्लास में, मेमालिया में। और उसके साथ में एक ऑर्डर और होता है कार्निवोरा, जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं जैसे कि टाइगर हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, ये सभी भी उसी में क्लास मेमालिया में रखे जाते हैं। और ये क्लास मेमालिया के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स भी होते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिमाटा स्पीसीज का गोरिल्ला है और यहाँ पे कार्निवोरा, और यहाँ पे मिलकर के बना दिया मेमालिया। अब फाइलम या फिर डिवीजन क्या होता है वो अभी बताऊंगा। तो क्लासेस कंप्रोमाइजिंग एनिमल्स, जिनके अंदर एनिमल्स की ऐसी क्लासेस जो कंप्रोमाइज करती हैं, या फिर हम कहें वो क्लासेस जो एनिमल को कंप्रोमाइज करती हैं वो कंस्टिट्यूट होकर के मिलकर के एक नया हायर कैटेगरी बनाती है जिसका नाम है फाइलम। यानी एनिमल्स के अंदर वो क्लासेस जो आपस में कंस्टिट्यूट करती हैं और हायर कैटेगरी बनाती है जिसका नाम है फाइलम, ठीक है। और बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्डाटा एंड ड्रोसल हॉलो न्यूरल स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा में कौन कौन आते हैं, जिनका क्या होता है, नोटोकॉर्डाटा होता है, यहां से पीछे का हिस्सा होता है, यहां पे पीठ वाला, ठीक है, नोटोकॉर्डाटा, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। इन केस ऑफ प्लांट के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं जो फ्यू सिमिलर करेक्टर होते हैं, वो आपस में मिलकर के डिवीजन बनाते, क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते। किंगडम
जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरियस फाइलम के, वो असाइन करते हैं और एक नया हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम है किंगडम, ठीक है। और एनिमलिया, एनिमलिया किंगडम है जो कि एनिमल का क्लासिफिकेशन करता है, और प्लांट एक किंगडम है जो कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करता है, यानी कि उसके अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा पैराग्राफ है हमारे सामने। ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि यहाँ पर आपने बहुत सारी स्पीसीज देखे, वो सॉरी बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी, जैसे स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। आपने बहुत सारी क्या देखी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी, जो कि आपको फिगर नंबर 1.1 में दिखाई गई है। ये सब क्या है, बोर्ड कैटेगरीज, बोर्ड कैटेगरीज बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया कि छोटी छोटी कैटेगरीज भी बनाई। जैसे कि अगर हम ध्यान दें तो हमने पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था कि कॉर्डाटा, कॉर्डाटा फाइलम के अंदर हमारी दो सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे वर्टिबटा और वर्टिबटा और प्रोटोकॉर्डाटा, दो अलग अलग क्या हो गए, सब फाइलम हो गए, सब फाइलम, सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती है वेरियस टैक्सा से, है ना, सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे टैक्सा हैं, हम यहां से लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सारे टैक्सा हैं, बहुत सारी कैटेगरीज। तो जनरली क्या है, लेकिन हमें बोर्ड कैटेगरीज कौन कौन सी याद रखनी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक, SGFOCPK, ठीक है। अब यहां पर बात सुन लीजिए क्या कह रहा है, अगर हम हायर कैटेगरी पर जाते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम हायर कैटेगरीज पर जाते हैं, सॉरी अगर हम हायर ऊपर जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की ओर, तो जो नंबर है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का वो कम हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। जैसे जैसे यहां पर आगे लिखा भी है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सोन से, ठीक है, हायर द टैक्सा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट अ सेम लेवल। इस सबको अभी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे हमारे पास किंगडम है, किंगडम हायर कैटेगरी है, बहुत हाई कैटेगरी है ना, और एक हमारे पास स्पीसीज है। तो स्पीसीज की जो मेंबर्स हैं, स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सारे सिमिलर करेक्टर्स होते हैं, तो हम उनके अंदर रिलेशनशिप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किंगडम, जैसे कि एनिमालिया है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज स्पीसीज के मामले में कम हो जाती है, यानी कि सर बहुत फ्यू स्पीसीज, बहुत ही फ्यू डिफरेंस होते हैं, सॉरी बहुत ही फ्यू इनके अंदर सिमिलरिटीज होती है, ऊपर फ्यू सिमिलरिटीज है, नीचे हाई सिमिलरिटीज है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। यही बात हमें दिमाग में रख लेनी है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटीज क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमारी सिमिलरिटीज डिक्रीज हो, जितना हम ऊपर जा रहे हैं जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम ऊपर जा रहे हैं उतनी हमारी सिमिलरिटीज डिक्रीज हो। तो आगे हमारी टेबल 1.1 आने वाली है, यहां पर हम देख सकते हैं जैसे मैन के लिए बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, उसका जीनस है होमो, फैमिली होमोनिड, ऑर्डर प्रिमाटा, क्लास मेमालिया, फाइलम या फिर डिवीजन हम कह सकते हैं, मैन क्या है एक एनिमल में आता है तो फाइलम आएगा उसके लिए कॉर्डाटा, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मिस्का डोमेस्टिका, जीनस मिस्का, फैमिली म्यूसेड, ऑर्डर डायप्टेरा और इसका क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनार्कार्डियसी, ऑर्डर स्पेंडिलाइज और क्लास इसका डाइकोटिलेडन, इसका फाइलम डिवीजन। जी हाँ डिवीजन, क्यों, मैंगो क्या है प्लांट है तो इसका डिवीजन होगा क्या, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वीट का ट्रिटिसम एसेटिवियम और इसका जीनस ट्रिटिसम और इसका फैमिली पोसी और इसका ऑर्डर पोलिस,
इसका क्लास मोनोकॉटलेडन और इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको ऐसी ही आने वाली और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।